आप सभी, आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो देखिए, एक्चुअली मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सेकंड सेम जो डिजिटल सेशन वालों की वो आ चुकी है। तो इसकी को लेकर काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हो, सोल के स्टूडेंट हैं, वो ज़्यादा कन्फ्यूज ये हो रहे हैं कि सर जो ये डेट शीट आई है इसके अंदर कुछ ना कुछ गलती ये है कि इसमें एक तो सब्जेक्ट मिसिंग है, एक तो EBS का इसमें सब्जेक्ट नहीं है, दूसरा पॉलिटिकल साइंस के सिर्फ दो सब्जेक्ट शो कर रहे हैं BA में, और इंग्लिश की तो डेट शीट आई नहीं है BA इंग्लिश ऑनर्स की। ठीक है, तो ये डेट शीट क्या सही में सोल की है? ये मिस्टेक्स क्यों आ रही है, मतलब इतनी जो मिस्टेक्स आ रही हैं वो क्यों हैं, तो मैं उसी का डाउट आपको क्लियर कराया करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। टेंशन मत लीजिए, हमें हर स्टूडेंट के मैसेज मिलते हैं और हम तुरंत आपको अपडेट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए, पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। अभी जो जारी की गई है, ये जो अभी आपके सामने डेट शीट है, ये इंक्लूड डेट शीट है, मतलब कि ये मिक्स है और टेंटेटिव है। मतलब ये डेट शीट सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि जो आपके एग्ज़ाम है वो अगस्त में ही स्टार्ट होंगे। मतलब जो डेट दे रखी है ना, जैसे 8 तारीख 12-18 तारीख तक चलेंगे, ये सिर्फ एक अनुमानित है, मतलब कि एक अनुमान लगाया उन्होंने कि इस तारीख से इस तारीख तक हम एग्ज़ाम ले सकते हैं। एग्ज़ाम का जो मंथ है वो इस डेट शीट से कंफर्म हो चुका है कि एग्ज़ाम आपके अगस्त में ही होंगे, जैसा कि हम ऑलरेडी बताते आ रहे थे। तो जो सोल के स्टूडेंट है वो इस डेट शीट को इग्नोर कर दे देखने के बाद। इग्नोर क्या करना है कि डेट है, जो टाइमिंग है, इन टाइमिंग के आपको नहीं लेना, सिर्फ आपको सिर्फ इससे यही कन्फर्म कर लेना है कि जो आपके एग्ज़ाम है वो अगस्त में ही होंगे। अब सही, काफ़ी सारा सब्जेक्ट जो मिसिंग है इसके अंदर, मैं आपसे यही कहूँगा ये सोल की प्रॉपर डेट शीट नहीं है, सोल की डेट शीट अलग से आएगी, टेंटेटिव ये मिक्स डेट शीट है जिसके द्वारा ये बता दिया गया है कि हम जो आपके एग्ज़ाम लेंगे सेकंड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं 2021 वाले, उनके एग्ज़ाम हम अगस्त में ही शुरू करेंगे। मतलब इससे स्टूडेंट को 2 महीने पहले ही बता दिया गया कि आपके एग्ज़ाम अगस्त में ही होंगे। तो जो सोल के स्टूडेंट हैं, मैं आपसे यही बोलूँगा, अभी सोल की जो सेपरेट डेट शीट है, जो 5 कोर्सेज की, जैसे BA प्रोग्राम, BCom प्रोग्राम, BA ऑनर्स, उनकी जो डेट शीट है वो अलग से जारी की जाएगी, वो भी टेंटेटिव ही आएगी। ये मिक्स है, तीनों को मिक्स कर दिया, अब सेपरेट डेट शीट आएगी अलग अलग करके। सोल की 5 कोर्सेज की अलग आएगी, फिर रेगुलर की बहुत सारी अलग अलग आएगी, क्योंकि रेगुलर में तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है, सिर्फ एक डेट, देखिए डेट शीट तो ये है, ऑफिशियल है, बट सिर्फ इससे आपको ये कन्फर्म कर लेना है कि जो आपके एग्ज़ाम है वो अगस्त में ही है। क्योंकि कई स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमारी तो एग्ज़ाम जून में है, कई लोग कह रहे थे। तो अब देख लीजिए, एडमिशन ईयर क्या है, 2021, CBCS आपका CBCS ही है। तो ये जो डेट शीट है वो 2021 सेशन के लिए ही है, बट ये प्रॉपर सोल के लिए नहीं है। इंक्लूड बेशक है, क्योंकि कई इसमें सब्जेक्ट है जो सोल के पास भी है, बट मैं आपसे यही कहूँगा जो सोल की जो सेपरेट डेट शीट आएगी अलग से, जो 5 कोर्सेज की, वो जैसी आएगी हम डिस्कस कर देंगे। फिलहाल जो इसमें जो भी मिस्टेक्स है वो काफ़ी मिस्टेक्स है, क्योंकि रेगुलर की भी डेट शीट यही है, तो रेगुलर वालों के भी कई सब्जेक्ट इसमें मिसिंग है। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अभी 2 महीने पहले ही इन्होंने निकाल दी, क्योंकि कई स्टूडेंट कन्फ्यूज ये हो रहे थे कि सर हमारे एग्ज़ाम कब होंगे, हमारे एग्ज़ाम कब होंगे, जबकि हमने ऑलरेडी बता भी दिया था। तो ये डेट शीट को इसलिए रिलीज किया गया ताकि आपको जो भी डाउट रहते एग्ज़ाम से रिलेटेड कि हमारे एग्ज़ाम होंगे कब, तो अब ये कन्फर्म हो गया आपके एग्ज़ाम अगस्त में ही कराए जाएंगे। जो इसमें टाइमिंग है 3 से 6 बजे की, ये टाइमिंग भी चेंज होगी, क्योंकि 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम होंगे, प्लस जो डेट है, जैसे 8 तारीख का हो सकता है 6 तारीख को हो जाए सोल की एग्ज़ाम, तो वो डेट शीट अलग से आएगी। बट इससे ये कन्फर्म हो गया कि जो आपके एग्ज़ाम है वो अगस्त में ही होंगे। टेंटेटिव डेट शीट में गलतियाँ होती हैं, और ये तो ड्राफ्ट है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसको फाइनल मत मानो। टेंटेटिव के बाद फाइनल डेट शीट आती है, वो एग्ज़ाम से 1-1.5 महीने पहले आती है। तो जितने भी सोल के स्टूडेंट हैं, सिर्फ आपको ये नोट करके रख लेना है कि हमारा एग्ज़ाम होने अगस्त में है, और उसके लिए एडमिट कार्ड भी आएगा, एडमिट कार्ड को ही आपको फॉलो करना है। डेट शीट से सिर्फ आपको डेट पता चलती है कि हमारा एग्ज़ाम किस डेट पे और किस टाइमिंग पे। बट इस ये जो टाइमिंग और डेट दे रखी है, ये मिस्टेक्स है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, उसमें गलतियाँ हैं बहुत सारी, क्योंकि 2 महीने पहले उन्होंने अनुमान लगा दिया, अब क्या पता 2 महीने बाद क्या हो, किसी ने देखा नहीं देखा ना। तो ये सब इसीलिए निकाल दिए ताकि जो स्टूडेंट परेशान हो रहे थे सेकेंड सेमेस्टर के 2021 सेशन वाले, जो बार बार कहते हैं कि हमारे एग्ज़ाम कब होंगे, एग्ज़ाम कब होंगे, तो उनको बताने के लिए। ठीक है, समझ गए आप? अब मुझे लगता है आप कोई डाउट नहीं रहेगा। बाकी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की सेकंड सेमेस्टर की, और BA ऑनर्स इंग्लिश की भी डेट शीट अलग से निकाली जाएगी, 5 कोर्सेज की सोल की अलग से डेट शीट आएगी। ठीक है, तो ये मिक्स डेट शीट है, CBCS की मिक्सअप है ये, मतलब इंक्लूड है तीनों कॉलेज की। इसमें जो डेट है वो गलत भी हो सकती है, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ये टेंटेटिव फाइनल नहीं है,
ये मत कहना कि सर अब ये जिसमें जो डेट है वो फाइनल में अलग है, ठीक है अलग भी हो सकती है क्योंकि ये इंक्लूड है, सोल इसमें नहीं लिखा हुआ है, ना रेगुलर लिखा हुआ है, ना NCBAB लिखा हुआ है, ये मिक्स डेट शीट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये DU की डेट शीट है। अब हर कॉलेज अपनी डेट शीट अलग से निकालेगा, समझ गया कि आ गई बात। बाकी वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, थैंक यू।